जिला मंडी के गांव मसीरन के किसान ने एक मिसाल कायम की है और इस किसान का नाम दुनी चंद है। बता दें, दुनी चंद ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को अपनाकर खेती के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। उन्होंने एक साल में ही 3 लाख रुपए की कमाई कर ली। दुनी चंद ने हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड से 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद खेती करने का विचार किया। उन्हें किसान जागरूकता शिविर में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी मिली, तो उन्होंने खेतों की बाड़बंदी के लिए कृषि विभाग के पास आवेदन किया। उनका आवेदन स्वीकार होने पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से उनकी 4 बीघा जमीन की बाड़बंदी भी हो गई। इसके बाद खेती का काम शुरू करने पर उन्होंने पक्षियों और ओलों से फसल को बचाने के लिए कृषि उत्पादन संरक्षण योजना से एंटी हेलनेट लगवाया और बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस भी लगवा दिया। मैंने आजकल जो है पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा लगा रखा है और नेट के नीचे जो है मैंने टमाटर लगा रखे हैं और भूमि संरक्षण योजना के तहत मैंने अपनी जमीन को चारों तरफ से बंद कर रखा है, जिसके कारण मेरे जो बंदर आते थे, आवारा पशु आते थे या दूसरे जानवर आते थे, उससे मेरे को राहत मिल गई। पहले जो था मैं जो है 10% फसल जो है घर को लाता था और अब मैं जो है 90% फसल जो है अपने घर को लाता हूँ। जो योजना मैंने सरकार की तरफ से ले रखी है, उनसे मैं सालाना लगभग 2 से 3 लाख की आमदनी जुटा रहा हूँ। इस योजना को चलाने के लिए मैं हिमाचल सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूँगा। बता दें, दुनी चंद ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसी जमीन पर खेती की जिससे कोई कमाई नहीं हो रही थी। उन्होंने पॉली हाउस में विभिन्न बेमौसमी एंटी हेलनेट में मौसमी सब्जियां और खेतों में गेहूं, कोदरा, महा और मक्की की खेती की। साथ ही खेतों में काम करने के लिए उन्होंने 5 लोगों को रोजगार भी दिया। सूर्य समाचार के लिए मंडी से कोमल भारद्वाज की रिपोर्ट।